कपकोट में शनिवार की सुबह हाई वोल्टेज के कारण कई घरों में विद्युत उपकरण फूक गए, जिस कारण उपभोक्ताओं को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। शनिवार की सुबह हाई वोल्टेज के कारण लोगों के घरों में पंखे, फ्रिज, कूलर आदि विद्युत उपकरण फूक गए। तिरुवा ट्रेवल्स व कुसुम फिल्म स्टूडियो में रखे गए लाखों के उपकरण भी स्वाहा हो गए। उपभोक्ताओं ने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार हाई वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरण में आग लग चुकी थी, उसके बाद भी पावर कॉर्पोरेशन ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। उपभोक्ताओं ने हाई वोल्टेज के कारण हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। बहुत तीन चार ये मोटर फूकी रहा और ये चार्जर दो देवे हो गया मेरा नुकसान। पहले एक पंखा फूक गया, अभी फ्रिज और मोटर फूक गया। आज सुबह लाइट फ्लक्चुएशन और डबल वोल्टेज होने के कारण हमारे ये मंडल खेत में जो हमारा स्टूडियो है और दुकान है, कम से कम तो फ्लक्चुएशन के कारण कई दो बार हो चुका था। पहले भी दो बार हुआ हुआ है यहाँ पे, और अभी दोबारा ये फ्लक्चुएशन होने के कारण हमारा 7.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें से स्टूडियो का सारा मिक्सर है और मैक बुक है मेरा 2.5 लाख रुपए का, वही हो गया। और अपना कीबोर्ड है और इन्वर्टर है, बल्ब है, क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन है, डीप फ्रीजर है, कई चीज़ें बिल्कुल हमें परेशान हूँ कि बता नहीं सकता। कि अभी विभाग को शिकायत की, विभाग वाले आए थे, वो कह रहे थे सबका ही फूक रखा है और यहाँ पे कम से कम कुछ भी नहीं है, जब तो 30-35 घर का सबका ही फ्रिज है, वो बल्ब है, पंखे हैं, सभी लोगों के क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। प्लीज क्या कहते हैं न्यूज से चैनल से सीसीएन न्यूज से वो कर देख पा सके, प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सभी लोग यहाँ पर डेली मर्जर के काम करने वाले हैं, जिसके पास एक बल्ब चेंज करने के लिए भी पैसे नहीं होते किसी के पास, और किसी के पास तो बेचारे जो कर सकते हैं तो उनका भी नुकसान हो रखा है बहुत। सीसीएन न्यूज के लिए कपूर से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।